भाई साहब कैसे चपक कर बैठे हैं पब्लिक प्लेस में। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कैसे ये दोनों चपक के जा रहे हैं पब्लिक प्लेस में। और देखिए कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, काफी खूबसूरत सूरत सेल्फी ले रहे हैं। देखिए सेल्फी सेल्फी, देश का जो झंडा है कितना प्यारा लग रहा है, वाव आप लोग देख सकते हो। सो है गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और गाइस आज हम जाने वाले नौका विहार, और नौका विहार का पूरा आप लोग को व्यू दिखाएंगे। और वहाँ पर जो एक अफवाह फैला है कि वहाँ पर बहुत बड़ा मगरमच्छ है, किसी लड़की को मतलब दबोच लिया है और घायल कर दिया है। तो चलिए सब कुछ दिखाने वाले हैं और वहाँ का पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो एंजॉय करते रहिए। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो फाइनली हम लोग नौका विहार के पास पहुँचने वाले हैं। और इधर आप लोग देख सकते हो रामगढ़ ताल है, ओके। और जस्ट अभी कुछ दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और हम लोग पहुँचने वाले हैं, ओके। चलिए फटाफट हम लोग पहुँचते हैं, उसके बाद आप लोगों को सब कुछ हम दिखाते हैं, ओके। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ओके गाइस। ये देखिए रामगढ़ ताल वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हो। हम लोग नौका विहार के पास जस्ट पहुंचने वाले हैं। और देख सकते हैं हमारे देश का झंडा बहुत अच्छा लहरा रहा है, आप लोग देखिए। जय हिंद जय भारत, देख सकते हैं हमारा देश का जो झंडा है कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, वाकई बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और चलिए हम लोग नौका विहार जस्ट पहुँचने वाले हैं और देखते हैं नौका विहार ओपन है या नहीं, ओके। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोग फाइनली नौका विहार आ चुके हैं और ये ओपन है। और अभी हम लोग पूछ कर बता रहे हैं कि जो यहाँ पर हादसा हुआ था वो फेक था या रियल था। जैसे कि बता रहे थे सब कि यहाँ पर जो रामगढ़ ताल है नौका विहार के पास, यहाँ पर एक लड़की थी तो सेल्फी ले रही थी, और सेल्फी लेते वक्त मगरमच्छ ने उसे दबोच लिया और उसे मार दिया, ओके। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को इन्जॉय करते रहिएगा, ओके गाइस। चलिए हम आगे चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं सब कुछ ए टू जेड, ओके। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का जो व्यू है काफ़ी खूबसूरत है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो नौका विहार का बनाया हुआ हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत सूरत सेल्फी ले रहे हैं। और उधर देखिए, उधर नाव चल रही है, बोट है, ओके। ये देखिए सेल्फी, देखिए सेल्फी सेल्फी, ओके। तो ये नौका विहार पार्ट टू है, यहाँ पर हम घूमने आए थे, सोचा मैंने वीडियो एक बना लें। और यहाँ का आप लोग पूरा व्यू देख सकते हैं, तो सब कुछ हम दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, आप ही का चैनल आपके भाई का चैनल है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं सब कुछ, ओके। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लोग अपना सामान बेच रहे हैं। चलिए आगे आप लोग एंजॉय करते रहिए। और यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं हमारे देश का जो झंडा है कितना प्यारा लग रहा है, वाकई में बहुत खूबसूरत लग रहा है, आप लोग देख सकते हो। इसके लिए सैल्यूट करता हूँ। चलिए आगे आप लोग को हम दिखा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा गाइस, ओके। पर देखिए हर चीज़ अब मिलने लगा है, सब कोई अपना अपना दुकान ओपन करके कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए टैटू भी बनाते हैं भैया, ओके। चलिए देखते हैं, यहाँ पर नीचे से आप लोग को दिखाते हैं जो हमारे देश का झंडा है, आप लोग देखिए। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, ओके, और एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे देश का जो तिरंगा है उसको देखिए, काफी ऊंचाई पर है, वाव आप लोग देख सकते हो। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। और इधर देख सकते हैं साइड में रेस्टोरेंट भी खुल चुका है, आप लोग देखिए, ओके, सर्वर रेस्टोरेंट। और चलिए हम आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं, ओके गाइस। वहां पर देखिए एक बोट से ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग, वहां पर आप लोग देख सकते हैं बोट चल रहा है। मैं कैमरा को जूम करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ, ओके। वहाँ पर देखिए हम लोग को वहाँ पर सामने जाना है, देख सकते हैं नौका विहार। तो चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं और चल कर इंजॉय करते हैं, ओके।
यहाँ पर देखिए कुछ लोग अपना अभी जस्ट दुकान ओपन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग शाम को सबसे ज्यादा सबसे अधिक शाम को आते हैं, और सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड सबसे अधिक आते हैं। ओके, और चलिए दिखाते हैं और अपना जो सामान है वो बेचते हैं लोग। यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सबसे ज्यादा आते हैं। ओके, बहुत से लोग इसको छोड़िए, जाने दीजिए क्या बोल रहे हैं, आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ओके, ये देखिए एंट्री द्वार है रामगढ़ ताल नौकायन केंद्र। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू भी देखते हैं। ओके, तो आइए फिर हम लोग इंजॉय करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ओके गाइस, आप लोग देख सकते हैं अभी भी बहुत भीड़ है, लेकिन बट शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि शाम का मौसम ठंडा होता है और बहुत लोग घूमने आते हैं यहाँ पर और इंजॉय करते हैं। तो आप लोग भी आइए और इंजॉय करिए, घूमिए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं आपको जीएफ और बीएफ लोग ज़्यादा आते हैं इंजॉय करने, आप लोग देख सकते हो, यहाँ का माहौल देख कर आप लोग समझ सकते हो। ओके गाइस, तो मैं यहाँ का जो माहौल आप लोग को एक बार कैमरा घुमाकर दिखाता हूँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा है गोरखपुर पूरा। ओके, और इधर भी आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल बना हुआ है, बट अभी इस टाइम स्टार्ट नहीं है, शाम के टाइम पर स्टार्ट होता है। और इधर भी देख सकते हैं आप लोग, देखिए देखिए, और ये टिकट घर है, जैसे कि आप लोगों को अगर बोट में घूमना है तो यहाँ से आप लोग टिकट ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे मैं आप लोग को दिखाता हूँ और वीडियो एंजॉय करते रहिए। ये देखिए भाई साहब कैसे चपक कर बैठे हैं पब्लिक प्लेस में। तो भाई साहब लोग देख सकते हैं सामने घूमने आ रही है वहाँ पर। ओके, देखिए भैया यहीं पर रुकेगी, आप लोग देख सकते हैं। और एक बार मैं आप लोग को कैमरा घुमा कर यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, तो आप लोग देखिए। ओके गाइस, तो ये आप लोग देख सकते हैं कैसे लोग यहाँ पर बैठे हैं, और इधर आप लोग को मैं एक बार कैमरा घुमा कर दिखा रहा हूँ चारों तरफ। ओके, तो गाइस आप लोग देख सकते हो कैसे दोनों चपक के जा रहे हैं पब्लिक प्लेस में। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये गलत बात है, पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो जिसका जीएफ नहीं होती, गर्लफ्रेंड नहीं होता है, उन लोगों का बहुत प्रॉब्लम होता है। वहाँ पर देखिए वो बोट कितना स्पीड में लेकर जा रहा है, स्पीड बोट है वो देखिए। ओके, वो देखिए भाई साहब बहुत बहुत तेज लेकर जा रहा है, और ये भी चलने देखिए, ये भी लेकर जा रहे हैं सर। वाह, देखिए कितना स्पीड में बोट जा रही है, अभी वो स्पीड बना रहे हैं सर, देखिए अभी कितना तेज है इसका स्पीड होगा। रेड वाले का स्पीड बहुत तेज है और इसका भी तेज है, अभी ये स्पीड बना रहे हैं सर। ओके, वो देखिए, रेड वाला बहुत दूर लेकर चला गया है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर सब लड़कियों का खेल है, आप लोग देख सकते हो चारों ओर चपक कर बैठे हैं सब इधर भी, और इधर सामने देख सकते हैं ताल बहुत ज्यादा बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाव, तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे तरफ, और वीडियो में बने रहिए।
ओके हुआ। चलो 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 आओ यार, चलिए हम लोग चलते हैं बाहर। ओके और यहाँ पर देख सकते हैं गोरखपुर जो लिखा है, आई लव गोरखपुर। यहाँ पर सब कोई अपना सेल्फी खींच रहा है, सेल्फी ले रहे हैं सब। और इधर भी एक बार मैं आप लोग को कैमरा घुमाकर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ के माहौल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि यह कैसा प्लेस है। तो आप लोग भी आइए यहाँ पर, इंजॉय करिए, घूमिए। ओके चलिए हम लोग चलते हैं बाहर से, आप लोग को थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं। ओके गाइस, और आप लोग यहाँ से जो व्यू है देख सकते हैं, काफी खूबसूरत है। ओके सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।